हेलो एवरीवन, और स्वागत है सभी का मसूरी ब्लॉक के अगले पार्ट में। और अब हम लोग जा रहे हैं कैंपटी फॉल से निकल कर ये दिखा दो आपने हैप्पी वैली की ओर, और जो कि हैप्पी वैली और बुद्धा टेंपल दोनों लगभग आसपास ही हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ये वाला ब्लॉग वहाँ के लिए। तो अब चलिए ये वाला ब्लॉग को हम लोग आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हम लोग जो है ये पॉइंट पे आए हुए हैं, और यहाँ से तो ये पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक रास्ता जो है आपका हैप्पी वैली की तरफ चल जाता है और एक रास्ता जो है वो कंपनी गार्डन की तरफ चल जाता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हैप्पी वैली, और मैं बता दूँ आप लोग को, ये जो पूरा एरिया है ये इसको पूरा को हैप्पी वैली बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हैप्पी वैली की तरफ, और एक और रास्ता जो है इधर दूसरा वो आपका चल जाता है, ये मिलिट्री एरिया, तो हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है हैप्पी वैली पहुंच चुके हैं, और मैं बता दूं कि ये हैप्पी वैली कोई खास इतना वैली टाइप का नहीं, ये पूरा जो एरिया है यही आपका हैप्पी वैली है। क्योंकि जब यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग और लामा लोग जो आए थे, तो उन्होंने ही यहाँ पर ये वैली बसा दिया था, उसी के नाम पर है। और सामने जो है हम लोग का बुद्धिस्ट टेंपल है, तो यहाँ पर है ये बुद्धिस्ट टेंपल। अब यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, और यहीं पर है ये छोटा सा टेंपल है, और यहाँ से भी जो है आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इधर ऊपर से जाने के लिए है, ऊपर से जाएंगे हम लोग तो दलाई हिल से, और नीचे में इधर आपको बुद्धा टेंपल है, बट अभी बुद्धा टेंपल जो है वो बंद है। तो हम लोग बाहर से ही आप लोग को दिखा देते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी पिक्चर्स भी मिलता है। और ऐसे तो इसका सबको यहाँ पर बुद्धा टेंपल बोलता है, बट जो आपका यहाँ पर इसका नाम है वो आप देख सकते हैं, वो है आपका चियोब चोपलिंग टेंपल। और इसको भी बुद्धिस्ट टेम्पल इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली ये भी उसी डिज़ाइन में ही बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको नीचे भी रास्ता है, ऊपर आपको दलाई हिल्स जाने के लिए है। तो अब हम लोग, क्योंकि ये बंद है और हम लोग यहाँ से इसलिए अब चलते हैं दलाई हिल्स पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रेयर व्हील है, जो कि आपका कोई भी बुद्धिस्ट टेम्पल में रहता है, ये इसमें बाहर में है, तो अभी घुमा नहीं सकते क्योंकि अंदर से ही है, तो बाहर से आप इसको देख लीजिए। और हम लोग चलते हैं यहाँ आगे दलाई हिल्स की ओर। तो हम लोग चल चुके हैं फिर से दलाई हिल की ओर, और फिर से हम लोग का ट्रैकिंग एक बार फिर से चालू हो गया है। और यहाँ पर अक्सर लोग बताते हूँ आप लोग को कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग अपना प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी या कुछ तरह के शूट्स के लिए भी आते हैं। तो आप लोग भी अगर वेडिंग के टाइम अपने या फिर कुछ शूटिंग करना है तो आप लोग भी आ सकते हैं। छोटा भाई आगे हम ड्राइविंग 70 मीटर का स्टेज पास पार करके, और ड्राइव पे आपको मिल जाएगा ये और फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर भी है, तो वहाँ पे आप लोग का एक व्यू पॉइंट है।
तो हम लोग बस अब पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो ऊपर पॉइंट देख रहे हैं वही है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो फ्लैग्स आपको बुद्धिस्ट लोग के आसपास मिलते हैं वो है यहाँ पर, जो पीस फ्लैग्स होते हैं जो इन लोगों को पीस फ्लैग्स किया कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे आप देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पूरा पहाड़ों का। और फाइनली जो है हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं, बट यहाँ पर जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उतना अच्छे से हम लोग देख नहीं पाएंगे, आपको अंदर से दिखा नहीं पाएंगे। डलाई हिल्स का जो व्यू पॉइंट है और यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध जी का पूरा बना हुआ है और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज है। और यहाँ पर व्यू देखिए हम लोग तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा भी कचरा ये सब दिखेगा आपको, बट जैसे ही फिर सही होता है तो आपका अच्छा दिखेगा। तो हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट यहाँ रुक के फोटोग्राफी करके फिर यहाँ से चलेंगे। अगर मैं आप लोग एक और चीज़ बता दूं कि जो दलाई हिल था पहले आपको देख रहे स्टूप पर यहीं तक था, बट अभी ऐसा कि मैं बोला कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो यहाँ तक हो गया है पूरा, यहाँ पर प्रेयर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और अब हम लोग बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ का जो ये ब्लॉग है ये एंड करते हैं और इसके बाद हम लोग का मसूरी का ब्लॉग जो है टूर जो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी के लिए और उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग का यह उत्तराखंड का जो मसूरी धनौल्टी का टूर था वो ख़त्म होता है। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली लोकेशन पे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।